नमस्कार, जय हिंद, जय शिवराय। सभी देशवासियों को सादर प्रणाम। हम बैठे अभी पानीपत के स्मारक कालयाम वार मेमोरियल साक्षी 1761 के युद्ध। तो दोस्तों, अपने ये मित्र आए हैं पूना महाराष्ट्र से, भाई साहब नाना जगदारे। ये भाई अपने दत्ता जी, बोलना पूरा नाम। दत्तात्रेय वाग्दारे, राहुल वाग्दारे, सोपान वाग्दारे। तो दोस्तों, ये पूना से अपने भाई आए हैं। यहाँ हर हफ्ता यानी 6-7 दिन में 10 दिन में कोई ना कोई एक टीम आती रहती है, पुणे से, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, या फिर इधर मराठवाड़ा से, विदर्भ से, उत्तर से। तो बहुत सारे लोग आते हैं। और ये जो आस्था का केंद्र है, पहली तो बात पानीपत नाम लेते ही मराठा और महाराष्ट्र के हर आदमी को एक फीलिंग आती कि हमारे कुछ योद्धाओं ने, हमारे कुछ पूर्वजों ने पूरे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता रहती है, जिसके कारण फिर भारत को बहुत समय तक युद्धों से मुक्ति मिल गई थी। उत्तर की तरफ से भारत पे कोई आक्रमण नहीं हुए थे लगभग 100 साल तक। तो यहाँ आने के बाद उनको ये फील होता कि हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण जहाँ पे दिए, तो हम क्यों ना उस जगह पे जाएं और प्रणाम करें, माथा टेकें। तो आज ये अपने भाई महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर दूर आके यहाँ पे माथा टेका और अपने पूर्वजों को याद किया, उनको नमन किया। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहेंगे, आप सब आते रहें, मेरे जैसे आपको भाई आपको मिलते रहेंगे। यहाँ के बारे में जो माहिती है, जो जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। मैं मराठा राम नारायण पानीपत, अध्यक्ष मराठा उत्थान समिति, और उसी के माध्यम से मैं काम करता हूँ। और एक सामान्य इंसान हूँ, कोई बहुत बड़ी वो तोप वो गोला तो हूँ नहीं मैं, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ता है मैं समाज के लिए कार्य करता हूँ। और बहुत सारे भाई मुझे सपोर्ट भी करते हैं, कोई ज़रूरत पड़ती है तो मेरी उसी टाइप से हेल्प करते हैं जैसी मेरी ज़रूरत होती है। तो मैं पूरे भारत के मेरे मराठा भाइयों को, महाराष्ट्र के मराठा मराठी सभी भाइयों को सादर प्रणाम। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देते रहें। छत्रपति शिवाजी महाराज और आई भवानी का आशीर्वाद आप सभी देशवासियों पर बना रहे। आपको पानीपत के मराठा समाज की तरफ से जय शिवराय, राम राम।